हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं स्टेप थ्री पर, जिसमें हम एक अच्छा चैनल क्रिएट करेंगे और सीखेंगे कि चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या उसमें हमने कुछ बातें होती वो ध्यान रखनी है। तो उसके लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की ओर। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम करेंगे चैनल क्रिएशन, चैनल कैसे क्रिएट करना। अब हम वो सीखते हैं कि चैनल को कैसे क्रिएट करते हैं। सभी लोग चैनल क्रिएट ऑलमोस्ट मुझे लगता है 50-60% लोग कर लेते होंगे चैनल कैसे क्रिएट, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट सेटिंग्स वो नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि चैनल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं चैनल क्रिएट। तो वैसे तो मेरे ऑलरेडी चैनल है, लेकिन ये एक मेरी नई ईमेल आईडी है, उस पर मैं आपको चैनल क्रिएट करके दिखाता हूँ। आप अगर आपके पास एक ही ईमेल आईडी है, उस पर आप 100+ जो चैनल होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। बार बार आपको ईमेल आईडी चेंज करने की जरूरत नहीं। तो मैं आपको एक फ्रेश चैनल क्रिएट करके दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए, क्रिएट किया। अगर आप फर्स्ट टाइम करने लगे हैं ईमेल ऐड अकाउंट करने के बाद ना, यहाँ पर जैसे स्विच अकाउंट आता है, उसके बाद यहाँ पर ऐड अकाउंट आप करते हैं ना, तो उसके बाद वो आ जाएगा डायरेक्टली आपका। जैसे इस पर जगमीत ब्राड नो चैनल आ रहा है, तो हमने ये क्लिक किया, यहाँ पर करेंगे क्रिएट चैनल। मैं आपको बता दूंगा अगर आपके पास ऑलरेडी एक दो चैनल है उसे नया क्रिएट करना है तो वो कैसे करें, वो भी बता दूंगा। तो हम करते हैं गेट स्टार्टेड। तो ये पूछ रहा है कि यही नाम रखना चाहते हैं आप, तो हम देख लेते हैं यूजर नेम को। यूज ए कस्टम नेम हम करेंगे, ठीक है। ये तो ऑलरेडी वो बन रहा है कि ये यूज ए कस्टम नेम कर लेते हैं एक हम। तो यहाँ पर बहुत ही मतलब कि आपने अच्छे से सोच समझ के जो आपने चूज किया था वो ही रखना है। तो सपोज मैं रख लेता हूँ जो चैनल रैंक हो, यूनिक नेम होगा ना, तो मैंने देखा था कोई भी रखना। मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि क्या रख सकते हैं। हेल्थ कीटो डाइट ऐसे कुछ रख लेते हैं, क्योंकि हेल्थ के रिगार्डिंग है। कीटो डाइट डाइट अड्डा अड्डा कर देते हैं, कीटो डाइट अड्डा भी। यहाँ पर अड्डा एक हिंदी का वर्ड भी है, पंजाबी का भी है, कि सब कुछ ही है यहाँ पर, कीटो डाइट अड्डा। तो ट्राई करें कि टू वर्ड्स का होता है तो अच्छा है, अगर नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर चलिए हम यहाँ से इसे कर लेते हैं क्रिएट। आई अंडरस्टैंड किया, तो क्रिएट कर दिए यहाँ से। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो रहा है क्रिएट अभी। उन्होंने बोला यू कैन यूज योर ब्रांड नेम और अनदर नेम, है ना, यहाँ पर क्रिएट योर चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया है क्रिएट, चैनल सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपने चैनल के लिए एक अच्छा सा लोगो, लोगो होता है ना, लोगो रेडी करना है, जो कि आपके चैनल का लोगो फर्स्ट डे से लेकर चैनल के जब तक आपका चैनल रहेगा तब तक वो लोगो आपके चैनल की आइडेंटिटी होना चाहिए। जैसे हमारा चैनल है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये बनाया हमारा ना YT जगमीत ब्राड। तो इसमें क्या है कि मेरे फेस की वैल्यू, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि जगमीत ब्राड जिसके 16 लाख सब्सक्राइबर्स हैं ऑलमोस्ट, वो है, तो मेरे अवार्ड्स आते हैं, तो लोगों को क्लिक हो जाएगा कि हाँ जगमीत ब्राड वही है। तो आप जैसे हेल्थ पर बना रहे हैं, तो हेल्थ रिगार्डिंग आप लोगो काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं। उसके लिए आप कैनवा है वेबसाइट, देखिए कैनवा, कैनवा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्रिएट डिज़ाइन पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है YouTube आइकन करके कुछ है, देखिए। तो यहाँ से आप कोई ना कोई लोगो चूज कर सकते हैं, राउंड भी है, जैसे मेरा है, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। मेरे चैनल का नाम मैंने रखा है कीटो डाइट अड्डा। मैं तो जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हूँ, आपने काफ़ी अच्छा एक अपने चैनल के लिए लोगो डिज़ाइन करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, अपने चैनल की एक आइडेंटिटी है। तो आप अगर आपको नहीं भी आता, तो हमारा जैसे मैंने बोला था कि वीडियो एडिटिंग और जो उसके रिगार्डिंग एक कोर्स भी है, तो उसे से आप सीख सकते हैं। और अगर आपको किसी डिज़ाइनर आपको मिलता है 100-200 रुपये में, डिज़ाइनर 500 रुपये तक अच्छा लोगो आपको बेस्ट लोगो बना कर दे देगा, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो ऐसे ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कर लेते हैं फ्री में डाउनलोड। तो ये हो गया डाउनलोड। तो ये चीज़ का एक बहुत आपने ध्यान रखना होता है कि जो आपको लाइक जो लोगो होता है उस पर भी आपने जो SEO करनी है, कि अगर कोई बंदा सर्च करता है आपके चैनल को, तो गूगल में सर्च करता है, कोई फोटो भी सर्च करता है, तो आपका लोगो आ जाए। तो देखिए मेरे चैनल का नाम है कीटो डाइट अड्डा। तो मैं सबसे पहला ये कर दूंगा, इसका एक कीवर्ड दे दिया, ये इसे कीवर्ड बोलते हैं जिसे लोग सर्च कर सकते, कीटो डाइट चैनल कर देते हैं, कीटो डाइट अड्डा
लोगो, कीटो डाइट, डाइट प्लान, तो ये मैंने इसको नाम दे दिए कुछ। तो चलिए अब मैं इसे एक फोल्डर में रख लेता हूँ। सपोज मैं इसका एक फोल्डर न्यू बना लेता हूँ यहाँ पर, ये चैनल के लिए मैं न्यू बना लेता हूँ। मैं आपको ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो इस पर काम करना ही नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी जो आप अपने टॉपिक जो लैपटॉप में भी जो फाइल्स वगैरह रखते हैं तो प्रॉपर आपके चैनल का एक अलग ही फोल्डर होना चाहिए। तो देखिए मैंने ये रख लिया लोगो, तो अब मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर अपलोड, मेरा जो चैनल चल रहा है अपलोड पिक्चर। पिक्चर आपकी उन्होंने एक स्पेसिफिकेशन दी है कि 8:8 हो सकती है, PNG, GIF नहीं आप यूज़ कर सकते, इसमें JPG यूज़ कर सकते हैं और 4 MB और लेस होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कैनवा काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं यहाँ से। तो चलिए अपलोड पिक्चर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर रखा था कीटो, तो फ्रेंड्स कीटो डाइट और कीटो डाइट अड्डा। तो चलिए ये काफ़ी अच्छा एक लग गया है लोगो, मतलब कुछ स्कैंस में ये रेडी हो गया। तो नेक्स्ट आ जाता है टेल व्यूअर्स अबाउट योर चैनल। तो इसमें क्या करना होता है, आपने अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, तो ये काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और इसमें भी आपने ट्राई करना है कि कुछ कीवर्ड्स डालें, क्योंकि इससे आपके चैनल की जो SEO वो अच्छी हो जाती है, रैंक अच्छा हो जाता है। वी डेली शेयर वीडियोज़ रिगार्डिंग बेस्ट कीटो डाइट प्लान, तो आप ये लिख सकते हैं। और भी फ्रेंड्स आपने इसमें, आपके पास 1000 words होते हैं तो आपने अच्छे से इसकी एक जो है ना डिस्क्रिप्शन वो लिख देनी है। तो इससे क्या होगा कि लोगों को पता चल जाता है कि आपका चैनल किसके रिगार्डिंग है। और इसमें आप लिख सकते हैं प्लीज़, और अच्छे से, मैं तो आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो आपने क्या करना है अच्छे से इसे लिखना है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं तभी आपको बता रहा हूँ। तो आपने इसमें नेक्स्ट क्या दे देना है कि आप क्या इससे बेनिफिट मिलेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ना जो आपके चैनल पर आती रहती हैं। तो आपने मतलब कि जो बंदा आपका ये पढ़ रहा है डिस्क्रिप्शन, वो आपके चैनल का एक अच्छा व्यूअर बन जाए, उसको पता लगे कि चैनल वैल्यूएबल है, इसमें अच्छा कंटेंट आता है, तो वो सब आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ YT जगमीत बराड़ पर क्या लिखा है, मैंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दी है यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगमीत बराड़, ए प्रोफेशनल यूट्यूबर। तो इसमें मैंने अपने बारे में बता दिया, सेकंड चैनल मेरा ये है बॉली होली बाबा, विच इज़ वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड 15 lakh+ सब्सक्राइबर्स हैं। सो नाउ आई हैव गुड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर गेटिंग सक्सेस। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया। फर्स्ट आपने इंट्रोडक्शन दी, ऐसे ही आप अपने चैनल की इंट्रोडक्शन देंगे। नेक्स्ट आपको आपने लोगों को बताना है कि ये चैनल का पर्पस क्या है। थर्ड आप क्या करते हैं, लोगों को ये बता दें, ऑन दिस चैनल आई पब्लिश वीडियो ऑन ऑफ माई सीक्रेट सक्सेस फार्मूला टिप्स। अगर आपको कीटो डाइट की नॉलेज है, आप उसके एक्सपर्ट हैं, तो आप बताएंगे कि इससे क्या होगा, आप लोगों को कैसे फिट रहने में हेल्प करेंगे कीटो डाइट से, क्या उसमें प्लान्स होंगे, वो चीज़ें बताएंगे। और आप बोलेंगे कि फॉर ग्रोइंग यूट्यूब चैनल फास्ट यू कैन ज्वाइन माई, वो तो आपका डिफरेंट चीज़ है, जो कुछ भी आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है तो आप वो भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हमारा यूट्यूब मास्टरी कोर्स है, अगर कोई प्रॉपर जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहता है तो, और इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके चैनल के कुछ लिंक्स है, जैसे आपके पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स है तो वो लिंक यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और वो आपके यहाँ पर शो होते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल है जो उसका शो हो रहा है, और ये मेरा इंस्टाग्राम शो हो रहा है, जो लिंक आप यहाँ पर डालेंगे। देखिए देखिए ये दिखाता हूँ मैं आपको, वेट, हाँ ये, तो जैसे मेरी वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट का लिंक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। मेरी वेबसाइट है jagmeetbraad.com, और यहाँ पर मेरे फेसबुक का मैं लगा देता हूँ YT जगमीत। आपने क्या करना है कि जो आप बना रहे हैं ना चैनल, उसके आपने फेसबुक पेज क्रिएट करना है, आपने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना है, आपने उसका ब्लॉगर अकाउंट जो क्रिएट करना है, ब्लॉगर होता है, फिर आपने उसका पिंटरेस्ट करना है, आपने उसका टेम्पलर करना है, सभी अकाउंट्स आपने क्रिएट करने हैं, क्योंकि इससे आपके चैनल को रैंक मिलता है, आपके चैनल की जो वीडियोज़ होगी प्रमोट होगी, वो मैं नेक्स्ट उसकी बात करूँगा। तो मेरा जो ट्विटर है वो भी है YT जगमीत बराड, और मेरा जो इंस्टाग्राम है वो भी है YT जगमीत बराड। तो आप देख रहे हैं कि मेरे सभी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो एक ही नाम पर है। तो आपने भी वैसे ही करना, जैसे मैंने कीटो डाइट अड्डा बनाया है चैनल का नाम, तो सभी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपने सबसे पहले चैनल क्रिएट करने से पहले ये चीज़ें चेक कर लेनी है जाकर सोशल मीडिया पर, कि वो किसी और ने पहले तो नहीं बना रखा, अगर बाद में आपको प्रॉब्लम आए तो ये चीज़ भी माइंड में रखनी है आपने। तो ऐसे आपने करना है, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। चलिए
तो फ्रेंड्स चलिए ये हो गया क्रिएट। तो देखिए ये डिस्क्रिप्शन आ गई हमारी और यहाँ पर हमारे लिंक आ गए, ये तो मैंने बस सिंपली से कुछ लिख दिया था, यहाँ पर हमारी ज्वाइनिंग डेट आ गई। तो नेक्स्ट क्या है, हमने क्रिएट करना है इसका कवर पेज। तो कस्टमर चैनल पर हम जाएंगे, कवर पेज होता है ना वो हमने अब चूज करना है। तो इसको लर्न मोर करने की जरूरत नहीं, इसमें हमने कर देना है क्लोज यहाँ से। तो फ्रेंड्स लेआउट में क्या है कि आपने वीडियोस ऐड करनी है। लेआउट क्या है कि आपकी चैनल लेआउट कैसे दिखे, कोई नया बंदा आपके चैनल पर आता है तो उसे चैनल आपका कैसे दिखेगा, अगर किसने पहले ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो उसे आपका चैनल कैसे दिखेगा। फ्रेंड्स जो ट्रेलर होता है, ट्रेलर ये होता है कि आपके चैनल की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होती है कि आपका चैनल किसके रिगार्डिंग, कोई बंदा नया आपके चैनल पर आता है तो डायरेक्टली वो आपके ट्रेलर पर ही लैंड होगा। तो आपने क्या करना है, एक अच्छी सी जो इंटरेस्टिंग सी एक ट्रेलर बना देना, उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बना देना जिसे जो अपने चैनल के रिगार्डिंग होगी। सपोज आपका जैसे मैंने कीटो डाइट अड्डा चैनल बनाया, कीटो डाइट के रिगार्डिंग है, हेल्थ के रिगार्डिंग है, तो आप क्या बोलेंगे, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कीटो डाइट अड्डा, यहां पर मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूं कीटो डाइट प्लान के रिगार्डिंग वीडियोस और हेल्थ के लिए बेस्ट टिप्स, आप कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे आप लॉन्ग लिव कर सकते हैं, लंबी जिंदगी जी सकते हैं, कैसे आप खुश रह सकते हैं, वो मैं आपको वैसे बता रहा हूं, ऐसे आप अच्छी सी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी एवरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, आपको यहां पर बहुत अच्छी अच्छी कीटो डाइट प्लान वीडियो मिलेंगी। तो अभी सब्सक्राइब करें और मेरी और वीडियोस को भी वॉच करें, तो ऐसे आप एक अच्छा ट्रेलर बना सकते हैं, ठीक है। और जो रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं, फ्यूचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स, जैसे आपका चैनल किसी ने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने नेक्स्ट क्या करना है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपने उनको जो, अगर वो दोबारा आपके चैनल पर आते हैं तो उनको वो नई वीडियो दिखें जो आप न्यू वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की। सपोज आपने आज एक वीडियो अपलोड की तो आप डेली जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आप यहां पर वीडियो चेंज कर सकते हैं रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स के लिए। और आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई बेस्ट वीडियो है तो आप वो भी वहां पर लगा सकते हैं। जैसे मेरे चैनल पर मेरी एक मूवी आई थी, सिक्स बैंड करके मूवी थी, तो हमारे पंजाब में आईलेट्स का काफ़ी ज़्यादा वो है ट्रेंड, तो हमने आईलेट्स पर एक मूवी बनाई थी, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग होता है विदेश जाने के लिए, तो उसमें क्या क्या है ना वो सब बताया था। तो मैंने वो मूवी बनाई थी, उस पर 4-5 लाख सब्सक्राइबर व्यूज़ हैं अभी, तो वो बनाई थी मैंने, वो हमारे रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स के लिए लगा कर रखी है मैंने, तो दोनों में लगा दी वो। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कोई ये नहीं कि आपने इंट्रोडक्शन यहाँ पर लगानी है, आप कर सकते हैं जो आपकी बेस्ट वीडियो आप वो भी ला सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको थोड़ा सा वो अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो अभी तो हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो यहां पर आपने दो वीडियोस को ऐड कर देना है। तो मैं यहां पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो चलिए, तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको एक वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। देखिए आपके चैनल पर कम से कम एक वीडियो होनी चाहिए, तो अभी हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की तो वो नहीं आएगी, जो वीडियो आपके चैनल पर अपलोड होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो अपलोड करके बता देता हूँ, यहाँ पर क्रिएट है, वहाँ पर आपने क्लिक करना है, देखिए यहाँ से, और सिलेक्ट फाइल कर लेनी है, और मेरे पास ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी है, जहाँ मैं यहाँ से देख लेता हूँ, नहीं अभी नहीं है, तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाकर रखी थी आईफोन, तो मैंने आईफोन 12 प्रो मैक्स बाय किया था, उसका मैंने एक व्लॉग शूट किया था, मैं आपको वही दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया, ठीक है, आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, नो इशू। तो चलिए ये अब होगी ओपन। फ्रेंड्स वो वीडियो अपलोड हो रही है अभी, तो हम देखेंगे बाद में उसे। तो मैं आपको और भी बता दूं कि यहाँ पर क्या होता है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ जाती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में हमने क्या किया है, अभी तक हमने हमारा जो लोगो है वो लगा दिया है, और नेक्स्ट आता है बैनर इमेज। बैनर क्या होता है कि उसका साइज होता है, जो रेजोल्यूशन होता है 2048x1152, तो ये उसका रेजोल्यूशन होता है, आप इसको खुद भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको वही ऐड करके दिखाता हूँ। तो जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे ना तो कुछ ऐसा शो होगा ये, ठीक है। इसको आपने अच्छे से क्रिएट कर लेना है, इसके लिए आप जो Adobe Premiere है वो भी यूज़ कर सकते हैं, Adobe Premiere है, जब आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर उसमें कर सकते हैं। तो न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वेड्थ लेंगे 42x112, तो इसका साइज़ हम कर लेते हैं 100। अगर आपको ये नहीं आता तो आप डिज़ाइनर से बनवा सकते हैं। तो देखिए ये साइज़ आएगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि
आपकी जो पूरी जो स्क्रीन है ना वो नहीं शो होगी, तो इसका कोई सेंटर पार्ट ही शो होता है। उसके लिए मैंने एक टेम्पलेट ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आएगा FT और YT में पड़ा है वो भी। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स ओनली हमें इतने इतने पर ही जो करनी है हमारी डिजाइनिंग। देखिए जो सेंटर पार्ट वही शो होता है जो हमारा लैपटॉप होता है या मोबाइल होता है उसमें, वो ऊपर वाला साइज वो नहीं शो होता। वो कभी कभी क्या होता है कि जो बड़ी स्क्रीन होती है उस पर वो शो करते हैं, लेकिन जो सेंटर पार्ट होता है ना वही शो करते हैं। तो जगमीत ब्राड ये भी मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बनाया था, मोटिवेशनल हिंदी कोर्स करके बनाया था। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, साइज आपने वो लेना है। तो चलिए मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ अब। तो यहाँ पर गए YT जगमीत ब्राड में और हमने ये कर दिया अपलोड। तो देखिए ये बता रहा है कि व्यूएबल ऑन TV इतना होगा, TV पर ये अप होगा, व्यूएबल ऑन डेस्कटॉप और व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइसेस ये इतना होगा, लेकिन जो TV होता है उस पर ये पूरा व्यू होता है जितना साइज है। तो चलिए हमारा ये हो गया सेट। तो आपको अगर लगता है कि आपका कटिंग होगी कहाँ से तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये होता है आइकन, तो मैं आपको बताता हूँ आइकन क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है आइकन, जैसे हमने क्लिक किया इस पर, हमने एक हॉवर किया तो वहां पर आ जाएगा बॉली होली बाबा, तो यहाँ से लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे बोलते हैं आइकन। तो देखिए तो यहाँ पर हम सब्सक्राइब का भी डाल सकते हैं, अपना अगर कुछ करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने एक बनाकर रखा है यहाँ पर, इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ 150x150 है। तो इसे लगाएंगे, तो थोड़ा सा इसे ऐसे कर लेते हैं, इसका साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो डन कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो जी ये हो गया बेसिक इन्फो, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते होते, जैसे कोई डिस्क्रिप्शन है और आ जाता है चैनल लिंक वगैरह, वो हमने वैसे ऐड कर दिए, वो भी हो जाता है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, जैसे हम कोई भी ईमेल आईडी भी आप वैसे ही बना सकते हैं, कीटो डाइट @gmail.com। तो क्या करना है आपने, ऐसी है कि ईमेल आईडी भी अपनी क्रिएट कर लेनी है जब आपको चैनल क्रिएट होगा। तो अभी मेरा ये ईमेल आईडी नहीं है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा पब्लिश। तो अब हमारा चैनल हो जाएगा रेडी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने चैनल को कर लेते हैं व्यू। तो चलते हैं यहां पर, तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो कवर पेज आ गया है, ये हमारा लोगो है। तो फ्रेंड्स थर्ड स्टेप में आपने सीखा कि कैसे चैनल क्रिएट करते हैं, कैसे उसका कवर पेज लगाते हैं, कैसे लोगो लगाते हैं, कैसे कुछ जो हमारा वो होता है आइकन वो कैसे सेट करते हैं। ये चीज़ें सब ने आपने सीख लिया और देखा कि चैनल का जो कवर पेज है वो कैसा लगता है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं उसमें, और जो लिंक वगैरह होते हैं वो कैसे लगाते हैं, वो चीज़ें आपने सीख ली। तो नेक्स्ट जो होगा स्टेप 4, उसमें हम सीखेंगे कि कैसे जो इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है चैनल की वो कैसे करनी है, कीवर्ड कैसे देने हैं, जो कुछ और जो लीगल चीज़ें होती हैं कि मेड फॉर नॉट मेड फॉर किड्स या मेड फॉर किड्स, वो चीज़ें कैसे सेट करनी होती है, कुछ एडवांस फीचर्स वगैरह होते हैं उसकी बात करेंगे। तो चलते हैं स्टेप 4 की, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।